क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं एक्सेलरेटर डाल रहा हूँ ना, तो ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, क्या बताऊँ। बाहर जो है मौसम अभी बहुत अच्छा हो गया है, सुबह जब उठे थे तब तो इतना नहीं था, बट इसीलिए फिर मन भी नहीं कर रहा था कुछ करने का। फिर मैं आराम से संडे का लुक उठा रहे थे, सो रहे थे थोड़ा बहुत, नहीं तो कभी सोई हुई थी, लेजी थी। और अब शुरू करते हैं दिन, एंड अभी हो रहा है लंच। लंच के बाद मुझे एक बहुत ही अच्छे, एक यूनिक जगह पे जाना है। यूनिक जगह, मैं ऐसी जगह पे कभी नहीं गया हूँ, शायद आप गए हो या नहीं गए हो मुझे नहीं पता, पर अगर आप नहीं गए हो तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको वहाँ पे। तो ये है आज का प्लान, एंड आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पनीर मटर, सम सैल्मन ओमेगा 3, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स रफेज के लिए रोटी, आलू गोभी की सब्जी, और ये है दही। एक्चुअली मैं जब इनिशियली जब मैं घर पे रहा करता था ना, तो मैं क्या करता था कि थोड़ी सी दही लेता था, नमक डालता था और पानी डालता था, और मैंने उसको अपना ही ड्रिंक बना दिया था। वैसे तो उसको छाछ बोलते हैं पर मैं अपने ड्रिंक के हिसाब से उसको पीता था, क्योंकि मैंने ना तब एक मूवी देखी थी, द व्हाइट रशियन करके, नहीं व्हाइट रशियन नहीं, द बिग लेबोस्की। और बिग लेबोस्की में जो बंदा है वो व्हाइट कलर की ड्रिंक पीता रहता था, इट सीन्स इट वॉज एल्कोहलिक ड्रिंक। तो मेरे को उसको देख के ना मन करेगा कि मैं भी कोई व्हाइट कलर का ड्रिंक पीऊं, और उसके बाद से मैंने छाछ पीना शुरू कर दिया। और फाइनली इस बंगाली बंदे पे एक फक्र होना चाहिए सबको, क्योंकि उसने अपनी वेजिटेरियन वाइफ को फुल फ्लेजेड सैल्मन फिश खाना सिखा दिया। बारिश इतनी धमाधम, इतने टाइम से बारिश नहीं हुई, आज अचानक से बारिश हो गई। मैं 2 बजे निकलने वाला था, मैं शायद अब निकल नहीं पाऊंगा, तो ये मेरा तो मौका मिस हो गया, शायद मैं आपको दिखाने से भी चूक गया। पर अगर कभी बाद में ऐसे फ्यूचर में ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, अभी के लिए तो जो है सो है, उसी के साथ मन भर लो। बारिश हो रही है, अच्छा मौसम बन जाएगा, होपफुली शाम को थोड़ा सा वॉकिंग करने निकल पाए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, क्या? ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने शुरू कर दिया है अपना ये मोटा टायर वाला साइकिल जो मेरे को यूज़ करना था। अब मैंने ये देखो, ये वाला है, ये मैं दबा रहा हूँ तो ये बड़े प्यार से जा रहा है, इट सीम्स 40 के स्पीड में ही पहुँच सके। ओ भाई साहब ब्रेक, भाई साहब, भाई साहब। और मैं और चला रहा हूँ इसको, इट सीम्स थोड़ा तो है मोटा टायर फील भी है इसकी। ओ बेटा, इट सीम्स ये करीबन नहीं तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं एक्सेलरेटर डाल रहा हूँ ना, तो ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, क्या बताऊँ। अब वो देखो सोते सोते भी वो चला रहा है। अब मैं उसको, अब मोटे टायर में होने से क्या है कि इसमें गिरने का डर तो नहीं है, पर अगर ये साइकिल तुम पे गिर गया तो उसका डर बहुत ज़रूर है। ये देखो, अब मैं फिर ये भी सही है, थोड़ा सा स्पीड है, यहाँ पे रियर व्यू मिरर भी है, मैं थोड़ा सा स्पीड में ही हूँ, मैं एक राउंड और लगाऊंगा एंड देन। वाह वाह, अबे भाई ये तो बाइक की तरह चल रही है, इसके खरीदने के बाद हीरो होंडा स्प्लेंडर क्या क्या क्या
लोग वैसे साइकिल की साइज देख के ही रुक जाएंगे। जहाँ तक मुझे है कि अभी जैसे यहाँ पे जैसे ट्रैफिक लाइट आ गई लोगों की, अभी मैं यहाँ पे आराम से ब्रेक करूँगा और ये फिर से जाने के लिए मैं तैयार हूँ। वाह, अरे वाह, अरे ये तो एक्सीडेंट होते होते रह गया। अरे वाह, इसी के साथ ये लास्ट स्ट्रेक है। मेरे अंकल सामने वाले अंकल के पास भी मोटे टायर वाली साइकिल है, ये भी इनके पास भी है। एक्चुअली ये जो साइड वाले में चला रहा है, मैं इसकी चलाने वाला था, बट ठीक है अब कोई नहीं, मैं इसी की चला के ये हो गया, मैंने टेस्ट कर लिया। वेरी भाई साहब अच्छा हुआ गाड़ी लेके गया हूँ, ऐसी बारिश हो रही है भाई साहब, अच्छा हुआ मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से नहीं गया, वरना छाता भी काम नहीं करता इसमें तो। ऐसा लग रहा है सिटी में पानी जम जाएगा। ओह भाई साहब, यहाँ के बारिश से मुझे लिटरली डर इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ की जब बारिश गिरती है ना इतना तेज होता है और फिर कुछ दिखता ही नहीं है विंडशील्ड में, चाहे कितना भी विंडशील्ड वेपर वाइपर चला लो कुछ नहीं दिखता, इसलिए बड़ा डर लगता है। एक बार ऐसा हो चुका है। अरे भगवान इतनी बारिश, बाप रे बाप, बाप रे बाप, भीग ना जाऊं, छाता लेके आया हूँ। मैं जहाँ से निकला था वहीं पे वापस आ गया और मेरे साथ सोच रहे होंगे कि नितिका क्यों बैठी है। बात यह है कि जब मैं टेस्ट राइड कर रहा था तो लास्ट वाले टेस्ट स्टॉल पे मैंने अपना जो यहाँ का आइडेंटिटी कार्ड है वो देके टेस्ट करने चला गया। साइकिल लाया वापस, आइडेंटिटी कार्ड लिया, घर वापस आ गया, आके देखा तो भैया कोई माइकल शुल्ट्स नाम के बंदे का कार्ड मेरे पास था। तो फिर मैंने बोला भैया दौड़े दौड़े, फिर नितिका भी आई मेरे साथ, फिर गए अभी यहाँ पे और उनके पास थैंक गॉड मेरा कार्ड था और जिस बंदे का कार्ड मेरे पास था उसको मैंने वापस कर दिया। वो बंदा तो पता नहीं कब का छोड़ा हुआ है, कल का छोड़ा हुआ है शायद, कल से ही इवेंट चल रहा है, तो अब उसको पोस्ट से भेजेंगे। थैंक गॉड मेरे को भागना दौड़ना नहीं पड़ा, मिल गया मेरे को हाथों हाथ। और आप ऐसी एक्टिविटीज बहुत नॉर्मली करते रहते हैं जब मैं आपके साथ नहीं होती हूं। हां ये है, इसीलिए शादी कर लो, इसका फायदा है। मैं बोल रहा हूँ मेरा जो कार्ड था मैं फाइनली वहां से नितिका के साथ लेके आ गया और घर पहुंचे तो यहाँ पे धमाधम बारिश शुरू, बिजली भी कड़क रही है। एंड चिकन बनाया आज, चेटी नट चिकन, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्या हो गया है कि अचानक से कड़ी पत्ता का स्वाद मेरे को बड़ा अच्छा लगने लगा है। एंड कड़ी पत्ता में शायद से थोड़े बहुत विटामिन भी होते हैं, विच इज वाई आई प्रेफर की एक्चुअली, सॉरी मैं इतना आपको ज्ञान पिलते रहता हूँ, मेरे को भी लगा कि इतना क्या ज्ञान देते रहता हूँ। कड़ी पत्ता खाना है खाओ, नहीं खाना है नहीं खाओ, मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं खाता हूँ, और तो क्या मजा आपको।
इटली से आने के बाद कुछ सीखा कि नहीं सीखा ये तो नहीं पता, पर एक चीज जरूर सीखा, वो है कि आफ्टरनून का सिएस्ता लेना। तो अभी जा रहे हैं आफ्टरनून सिएस्ता लेने। ये चीज़ ऑफिस होती तो शायद ना ले पाते, बट थैंक गॉड कि कोविड है हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, कि आफ्टरनून की सिएस्ता ले पा रहे हैं। किसी भी डेली व्लॉगर के लिए इससे बुरा दिन नहीं हो सकता कि वो जो भी फुटेज उसने ली आज उसके फ़ोन में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके फ़ोन में स्पेस नहीं है। तो दिस इज़ अ मैसेज टू दैट मोइना, 10 years फ्रॉम नाउ इफ यू आर गोइंग टू मेक अ यूट्यूब वीडियो और इफ यू आर गोइंग टू व्लॉग समटाइम सून फॉर डेली व्लॉग्स, मेक श्योर यू हैव अ फोन विच हैज एनफ स्पेस इन इट, एटलीस्ट 128 GB and above, because 64 GB is nothing when you compare it with 4K videos which have immense file capacity storage in them. So शाम को वॉकिंग पे गए थे, काफी बातचीत हुई थी, काफी गुफ्तगु किया था, वो सारा डेटा नहीं है और वो थोड़ा सा हर्ट भी होता है, बट इट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसे मैंने सुना है कि काफी लोगों के साथ होता है, आज मेरे साथ भी हो गया। तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करते हैं, बट उसके पहले एक छोटी सी बात बोल दूं। कल जब हम वापस आए थे तो हमने एक देखा था कि हमारा जो सनफ्लावर था नीचे जो ओमा ने लगाया हुआ था वो गिर गया था, एंड देन फिर नितिका ने बोला कि ओमा को मैं बता देती हूँ कि उनका सनफ्लावर गिर गया है, मेबी शी फिक्स है, कल बारिश बहुत ज्यादा हुई थी। फिर वो गई, हमें नहीं लगा था कि ओमा तुरंत जाके उसको ठीक कर देंगे। फिर आफ्टर सीइंग हर विद इन 5 minutes शी वाज लाइक डाउनस्टेयर्स, शी इज एन 88 इयर्स ओल्ड लेडी, शी वेंट टू फ्लोर्स डाउन, पिक्ड अप हर सनफ्लावर्स, टाइड इट अप एंड नाउ दे आर गुड टू गो। सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट वाज द जर्मन मेंटालिटी, कि वो कितने जल्दी काम करते हैं, कितने चीज को फिक्स करने के लिए वो उत्सुक रहते हैं, तो शी इज वन ऑफ देम। एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट मेरा कार्ड कल खो गया था, एनीवेज मैं वहां पे गया वापस तो वहां पे मिल गया तुरंत, एंड दैट वाज Thank God वो मिल गया। So with that said, अगर आपको ये vlog for some reason अच्छा लगा, then please do not forget to hit the like button। अगर आपने हमें subscribe नहीं किया तो आप हमें subscribe भी कर सकते हैं, अगर मन हुआ तो। और साथ ही साथ if you want to write your thoughts or want to say something, then please write it down to us in the comment section below। So with that said, 1, 2, 3, or P doesn't।